Normally, Vaishnava Om Namo Namo Mahabhagavataya Krishna Premam Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurati Sena He Krishna Karuna Sindhu Deena Bandho Jagat Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namaskriti Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Bhaktya Mihina Aparadurti Khirtasya Kamami Parambamati Krikāvaitvāṁ sarvaṁ tapanyaṁ vṛndi namaste charāmadu Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityānanda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaurabhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma Hare Rāma Sadhati Pratipadu Paramharatthu Sri Gurupātpadu Pramadu Unki Vaituki Kripa Prakmanā Pujyabhādu Vasna Vrindu Pācharadami Pranadhu Pādu Unki Vaituki Kripa Prakmanā Pujyabhādu Maharātka Adis कुछ कहने के लिए मैं तो आया इन लोगों को दर्शन करने के लिए सुनने के लिए योग्यता नहीं ऐसे और वृंदावन भी आया इस विचार से आया आज दोबारा आने का समर्थ हो ना हो इस विचार से आया जैसा भी हो यहाँ रूप गोस्वामी का बारे में बहुत कुछ बताते हैं जब भी मैंने सुना नहीं सुनता हूँ दूसरे से रूप गोस्वामी का संबंध में आगे जाऊंगा अगर रूप गोस्वामी भगवान को लीला का जो रहस्य इन्होंने जब उद्घाटन नहीं करते तो कोई कुछ भी नहीं जानते नाम को भी नहीं चैतन्य महाप्रभु किस विचार से रथाकर्षण करते हैं कोई नहीं जानता अब सुना जो स्वरूप दामोदर जानते हैं उनका प्रियवाद स्वरूप दामोदर महाप्रभु का भगवान रूप कीर्तन करके महाप्रभु से आनंद देते थे लेकिन रूप गोस्वामी इनका अनुवाद करके सबके पास ये विचार को खोल दिया इसलिए रूप गोस्वामी ने अवसर के लिए ज्यादा किया फिर जो महाप्रभु इनका नमो नारायण बोलने से निषेध करते थे कान में हार तो लगा चुके और हम जिनको नारायण कभी नहीं खोजना लेकिन कोई चैतन नदी जब गोस्वामी उनको प्रणाम किया नमो महाबुदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर किसी नम इसको तो कान में हाथ दिया नहीं निषेध नहीं किया उनको तो निषेध नहीं किया क्यों नहीं निषेध किया इन्होंने तत्ववेत्ता जान के ही बताया और बाकी लोग सुन के बताया ऐसे फिर जब पूरी में कोई लालच श्लोक में लिख के रखा था
तब चैतन्य महाप्रभु क्या बोला देखिए, तारीफ करके कि मेरा दीप की बातें कैसे समझिए। उस वक्त स्वरूप दामोदर क्या बताया, उन्होंने बताया आपने कृपा किया है इसीलिए ना बोला इसको युग को समझ कर मैंने प्रयागराज में कृपा किया। अभी चैतन्य देव का वैशिष्ट्य है जब वो स्थान काल पत्रानुसार शिक्षा रघुवश्यमी को उपलक्ष्य कर प्रजाग्रष्टुयुग को क्या होता है, सृष्टुयुग होता है, सृष्टुयुग को क्या बोला भगवान के कहते हैं यज्ञान जब यदि इससे भी यह है कीर्तन। और उत्तम क्या होता है ना इंद्रिय से इंद्रिय अधिपति को सेवा और दशाश्व में से बॉस इंद्रिय रूपी जो अश्व इसको उत्सर्ग कैसे उत्सर्ग करेंगे वही ऋषिकेनो ऋषिकेश सेवनम। इसलिए रूपवश्व में वो भी देव तत्व का बारे में विस्तार किया। इसलिए रघु गोस्वामी भक्ति राज्य का ऑथोरिटी साधन लेकर उज्जवल निर्मण में रस को सूक्ष्म विचार दिखा सके उनको ही आदेश कर दिया सत्य भवान करने को दो नाटक कर दिया एक नाटक दलित मानो विदर्भ मानो। इसमें भी उनका बारे में हम लोग क्या कहे कवि कर्णपुर जैसे कवि उन्होंने भी रूप गोस्वामी के बारे में जो भी कहते हैं उनको संतोष होता है। यह स्वरूप बोला वही तो स्वरूप बोला निजा के लोग बोला लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होता है उनके बारे में भी कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे विचार है। वही रूप गोस्वामी आजकल तो बहुत से गुरु ये करते हैं अगर ये लोग ना होते कौन गंगा रूप सनातन ना होते ब्रजों को मिले किसको पता था। इतना ही नहीं सड़ोश में ना होने से जनता का कुछ अभी भी बोलना राधा रानी को गुस्सा में गोली कैसा है रघुनाम दास गुस्सा में कहते हैं अगर ये राधे तुम्हारी कृपा ना हो तो हमारा ब्रजवास शरीर धारण बेकार ऐसा भी बोकारी के साथ हमारा उस वक्त कृष्ण बोला नहीं कृष्ण को बोकारी ऐसे गोस्वामी मन का इसी मत एक विचार तो एक विचार अभी बोला जो क्या बोला जो भागवत में बोला जो श्याम श्रीमान कृष्ण परम पुरुष भक्ति पुंसन शोक मोह मराता तो भक्ति ये शोक को हटाता है ये भक्ति। लेकिन इसको चरण प्रकाश जो है उसमें बताया कि वो है प्रेम प्रेम भक्ति साधन भक्ति का दो फल वो क्लेशों में नहीं सुमल है जो क्लेश में हम लोग तड़प रहा हूँ अर्थात में अधिभूति अधिदेवी एक क्लेश साधन भक्ति में रहता है और शुभदा भगवत सुख देखेगा उसका बाद भाव भक्ति उसमें क्या होगा ना मोक्षागृत मोक्ष के लिए जो साधन करते हैं ज्ञानी लोग इनको लोगों देखते हैं तुच्छ देखते हैं वो देखेगा लेकिन साथ में ये भी समझते हैं
क्या समझते हैं ना ज्ञान उसको सुलभा मुक्ति ज्ञान से मुक्ति सुलभ भुक्ति यज्ञादि पुण्य है यज्ञादि पुण्य कर्म से भोग भी मिलेगा सौ अश्वमेध यज्ञ करो सुष्ठु रूप से इंद्र बन जाओगे सौ जन्म संन्यास धर्म पालन करो ब्रह्मा बन जाओगे लेकिन श्रेय साधनो स्वस्थ परिभक्ति सुदुर्लभ परिभक्ति दुर्लभ सुदुर्लभ ऐसा होता है फिर उसके बाद प्रेमो प्रेमो मुक्ति होता है उनका भी दो फल क्या दो फल है न संग्राम विशेष आत्मा घनी रूप आनंद हल्का भी मेरा हमने से भी गाढ़ा मैं जरी जैसे और क्या उसका तटस्थ श्री कृष्ण वर्ष ही इसलिए ये लोग उनका भाव मध्य कृष्ण का हम लोग नहीं कृष्ण हमारा कृष्ण भारत को संतुष्ट मिला भागवत ने बताया सुखदेव गोस्वामी ने ये किया अरे सुखदेव गोस्वामी अपना आरंभ देव को वंदना नाम करके शुरू कर सकता है इसलिए इसको विचार करो प्रथम श्लोक कोई को देखोगे वो राधा रंगे नाम बोलता है वहां राधा कृष्ण का वंदना करके ही थे लेकिन कैसे वंदन किया गंभीर रूप से ऐसा वर्णन किया कबीर गोस्वामी का भाषा में जेला भी पहिते भय से यदि ना जाने यह कोई इवासु आछे देहु मने वो लोग सब कोई समझेंगे वो दो शब्द में तैयार कर दिया बनाया अनया और क्या कृष्ण है अन्नाय अरण्य द्वितीया अन्नाय क्या होता है ना विचार अनुसार से अनुभव जो पश्चात गमन करते हैं कृष्ण किसका बदमाश किया था राधारण इसलिए अन्नाय और ईश्वर्या द्वितीया किसी को पास नहीं महाराज जी ने उल्लेख किया कि सूर्य गोस्वामी पलायारा भितो नोना इत्यादि बोला लेकिन यहां भी ऐसे ही किया लेकिन उसी बात से बोला जैसे सूर्य समझेगा नहीं लेकिन रोशिक जन समझेंगे ये लोग जान लेंगे ऐसे दिखा रहे हो सब कुछ इसलिए ये लोगों का जो विचार इनको अनुभव करने का योग्यता तभी होगा जब वो लोग परिताप करें उनका कृपा विवर से हो नहीं सके प्रभु गोस्वामी तो बता ही दिया अथवा श्री कृष्ण नाम आदि नौ भवे व्यक्ति इंद्रिय ये तो इंद्र व्यक्ति वस्तु नहीं है अगर इंद्र व्यक्ति वस्तु ना हो तो हमारे पास है क्या जब मैं इसको अनुसरण करूं मेरे पास तो इंद्रिय ही है और तो कुछ है ही नहीं कब होगा मैं सेवो मुको ही जीवा हो स्वयं एवं स्फुरित कर रहा जब चित्त वृत्ति सेवन मुख होगा भगवन मुख का बदलने में सेवन मुख होगा तब स्वयं प्रभाषित तब वो जनेगा ऐसे इसीलिए बोला श्रीमान रूप वही हमारा कौन जन्म जन्म वही हो वही ठाकुर ने बोला शिरूप मंजरी पदो से मौसम से मोह
भजन पूजन सब कुछ हुई, वेद का धर्म भी हुई, लेकिन ये कौन अनुभव होगा? पिता विचार करे कि राधा रानी का प्रियो सुखी रूपमंजे नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? सिरूपे पाद पद में बाबे समर्पित, सिरूप का पाद पद में समर्पण करेंगे उनका गुरुपाद सिद्धि द्रुभवश्य सीमा उनका एक विचार है। विचार गोपियों का ऐसे ही विचार है, लेकिन बात होता है ये तो बहुत ऊपर की बात है। साधारण व्यवहार जहाँ चैतन्य ने बताया, क्या बताया, जहाँ पूरा श्लोक नहीं बताया, श्रेष्ठ ने बोला कैसे आराधना करना, ना ब्रजबुधु करती है ना जागो ब्रजबुधु ने जैसे आराधना किया वही ब्रजबुधु जो कृष्ण का आकर्षण से क्या अनोड़ा नोबोड़ा प्रौढ़ कोई भी गति नहीं है जो किया नहीं, लेकिन सबको त्याग देकर राधा ने को इसको भी तो त्याग दे दिया। अब कोई राधा ने का दिया इसलिए उनका बारे में ज्यादा क्या बताऊं? एक तो योग्यता का अभाव, दूसरी अभाव है शारीरिक बैठने का भी योग्यता ऐसा जम जाता है। आप थोड़ा ध्यान करें तो नींद नहीं आएगा, ऐसे अभाव हो गया। लेकिन ये लोग उनका साथ मिलने के लिए बहुत ही इच्छा था, बहुत देने से नहीं मिल सकता, लास्ट ईयर आया नहीं, अस्पताल में था, जोड़ा वीडियो दिन से अस्पताल में था। अभी जब एक फोन किया था मैंने, बस मैं तो टिकट कर लिया, अगर काशी से तो जाऊँगा, कई वैष्णवों को दर्शन किया, यही मेरा संकोच है। ये लोग उनका चरणों में प्रणाम करके मैं अपना वक्तित्व को शेष करता हूँ। आप इनके पास अज्ञा नहीं कि मैं जाने चाहता हूँ कुछ भी दिनमान गोली मिनट में भी दिया था, लेकिन नहीं रह सके, 10 मिनट मैं उठ गया था। ऐसा था मथुरा में काफी देर तक रहता, मथुरा में सुनने काफी देर तक रहता, अभी ऐसे
को जब आप भक्ति विज्ञान भक्ति भक्ति तत्व के ऊपर में और सुंदर रूप से विवेचन किया और रूप गोस्वामी के अवधारणा के ऊपर में